हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम कर रहे हैं प्लांटेशन। हमने अमेजोन से कुछ हैंगिंग पॉट्स मंगवाए थे और काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलो आज कुछ कर ही लेते, क्योंकि धूप में रखे रखे ना उनका कलर भी चेंज होने लग गया था। और हमने मंगाए थे ऊपर के लिए, तो अब उनमें हम पौधे लगा रहे हैं। कुछ हमने ऐसे ही डाल दिए थे, लेकिन ये रहे वो गमले सारे। अब उनमें से जो सारे हमने गेंदे के फूल लगाए थे सारे, अब उनको निकाल रहे हैं हम और उसमें और फूल भी ऐड करेंगे, और तब हम उसे इस साइड को ऊपर टांगने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कारीगर आ चुके हैं और पानी की बाल्टी, कुदाल सब आ गया है, तो करते हैं इसे। ये हमने ना, हमारे यहाँ बहुत सारे गेंदे के पौधे थे, पानी डालो पहले उसमें। हाँ, तो अब इनको हम यहाँ से हटा रहे हैं। सब में गेंदे हो गए ना, और ये हैंगिंग वाले में गेंदे होते नहीं है, सही से छोटे पॉट हैं ये, तो इनमें वैसे पौधे लगते हैं। बेल वाले, लटकने वाले हो गए, नीचे को लटकते हैं जो, या फिर जो कम जड़े बनाते हैं ना, ऐसे पौधे लगाने चाहिए छोटे गमलों में, तो इसीलिए हम इनको हटा रहे हैं और इसे निकालो पहले, ये अभी सबसे छोटा होगा है ना। ये मिट्टी झाड़ दे जी, हाँ, सबसे छोटा होगा। और अभी इनको लगे हुए एक महीना भी नहीं हुआ है और इनकी जड़ें देखो, बाप रे। दोनों एक में ही लगा दो। तो ये जो होता है ना फूल, मतलब इस वाले पौधे के ऊपर टॉप में आता है, और जड़े दिखा रही हूँ ना मैं एक मिनट से, तो इसके ना खुद ही ऐसी जड़े आ जाती है, तो इसके लिए इसको हम कहीं से भी काटेंगे तो ये लग जाता है और बहुत फैलता है, ये भी ना एक गुच्छा सा बन जाएगा, तो इसलिए हम इस पर लगा रहे हैं इसे, ठीक है। और इसमें हमने वैसे गोबर वाली खाद डाली है, बकरी वाला गोबर, क्या बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, बकरोल। बकरोल इनके इधर बोलते हैं बकरोल, और हमारे इधर बोलते हैं बुकरियाल। कुछ कुछ पौधे तो हमने लगा लिए, इसकी मैंने कटिंग कर ली है, और जो ये वाले और पौधे लगाने वाले थे हम, वो बहुत लंबे थे, तो मुझे लगा हमें उनको नहीं लगाना चाहिए, वो मैंने साइड में ही रखे। तो अब मैं सोच रही हूँ दो गमले बच रहे हैं, उनमें मैं पुदीना लगा लेती हूँ, और तब इनको इधर ही कर दूँ क्या हैंग, या फिर इधर करूँ, चलो देखते हैं, जिधर भी सही लगेगा मैं उधर हैंग कर लूँगी। और ये कुछ लेके आ रहे हैं, अभी रोड पे गए थे, फोन आया था इनके लिए कि कुछ आया हुआ है, तो क्या लेके आ रहे हैं पता नहीं, क्या है इसमें, कच्चे आम क्या। और एक ये पिंक वाला फूल भी हमारे यहाँ हमेशा खिला हुआ रहता है, बहुत फैल रखा है, बड़ा पेड़ है,
गुड़हल का नीर पता नहीं क्या है, मुझे तो पता भी नहीं। और इस पे ना लौकी की बेल भी पहुंच रही है ऊपर। ये नींबू का पेड़ है, हमेशा 12 महीने इस पे नींबू रहते हैं। वो जो एक प्लांट दिख रहा है ना, ये शुगर पेशेंट के लिए है। इसमें मतलब नेचुरल शुगर होती है, इसमें मीठा होता है, ये इसके पत्ते भी मीठे होते हैं ये वाला। और ये बोगेनविलिया है ये, और उधर भीमल का पेड़ है। इससे कभी कभी मैं सिर धोने के लिए भीमल निकालती हूँ। उस पर तैड़ू की बेल जा रही है, ये देखो तैड़ू की बेल जा रही है उस पर। और बाकी इधर फ्लावर वगैरह बहुत लगे हुए हैं। ये है ऊपर रोड, मेन रोड है ये, और यहाँ से हमारा घर ये है। तो ये गमले हमने तैयार कर लिए, पौधे लगा लिए सब में। एक हफ्ते के बाद फ्लावर्स वाले में फ्लावर तो आ ही जाएंगे। पुदीना भी लगा दिया दो में, और देखते हैं बाकी है ना। इसे हमने लटकाना है, मेन काम इन्हें लटकाना। इसके लिए हम दूसरे कारीगर को बुलाएंगे, और तब ये सब मिल के करेंगे इसे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।